हेलो मित्रों, आज जय माता दी। मित्रों, आज 3 सितंबर शुक्रवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? कुंभ राशि वाले जातकों को आज के दिन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में बढ़ोतरी हो सकेंगे? आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं? आज के दिन आप लोगों को कौन से क्षेत्र में सावधान सत्र को संभल कर रहने की जरूरत रहेंगे? आप लोगों का लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है? किस प्रकार से बड़ी खुशखबरी को पाया जा सकता है और किस प्रकार दुख तकलीफों और सारी की सारी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेंगे? आप लोगों का लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहेंगे और आज के दिन कुंभ राशि के लोगों को विशेष बड़ी खुशखबरी भी किस प्रकार प्राप्त होंगे? धन की देवी माता लक्ष्मी देवी किस प्रकार से प्रसन्न होकर आप लोगों की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारी जरूरतों को किस प्रकार से पूरा कर सकती हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। तो मित्रों, आप लोगों को आज के दिन शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार को लेकर आप लोगों के मन में कई सारे वरदान जागृत होने वाले हैं। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी उत्तम फलों की प्राप्ति होंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को भी अपार सफलताओं की प्राप्ति होंगे। आज के दिन अन्य गतिविधियों के साथ साथ कुछ समय अपने व्यक्तित्व और अधिकार को बनाए रखने में आपको कार्य करने की जरूरत होंगे तथा आप लोगों के लिए आज का दिन व्यापार संबंधित कुछ अच्छे परिणामों को दर्शाने वाले होंगे। काम धंधों से संबंधित कार्यों में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगे और किसी बड़ी कंपनी से एजेंसी की प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही हैं। ऑटोमोबाइल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को भी कारोबार के क्षेत्र में अपार सफलताओं की प्राप्ति होंगे। आप एक सफल कारोबारी बन सकोगे। नौकरी पेशे वाले लोगों को भी सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में काम काजों के दबाव को देखा जा सकता है। आप लोगों की सेहत भी काफी अच्छी होंगे। आप लोगों के जीवन में काफी बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होंगे क्योंकि आप लोगों को अपच और बदहजमी आदि की समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। बाहर के थले बुने खानों को लेकर आप सावधान रहें। आप लोगों को आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ की प्राप्ति होंगे। वहीं आप शनिदेव के चरणों में विशेष रूप से चरणों का आप उनका विशेष आप तेल भी जरूर चढ़ाएं। सरसों के तेल को चढ़ाने से आप लोगों के जीवन की परेशानियां भी कम हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को काफी सफलता मिलेंगे। वहीं कई सारे लोगों को ऐसे भी सामने करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय के मामले में आप लोगों की आ रही अड़चनें, आप लोगों के जीवन में आ रही परेशानियां भी अवश्य दूर होंगे। धन के कामों की वजह से आप लोगों के कार्य रुक सकते हैं। काम काजों से संबंधित कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों के काफी अच्छा प्रभाव बने रहेंगे। कोई भी व्यापारिक व्यवसायिक कार्य को करने के लिए आप लोगों का समय काफी अच्छे होंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों को भी नगद के लेन देन से बचने का प्रयास करने होंगे। आप लोगों को बहुत ही समझदारी से कार्य को करने की जरूरत होंगे। आज का दिन आप लोगों के करियर के लिहाज से काफी अच्छे होंगे। आप लोगों के इनकम में बढ़ोतरी होंगे। आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में किसी लाभकारी यात्राओं पर जाने का मौका मिलेंगे। आज आप लोगों को काम धंधों के क्षेत्र में कई बड़ी व्यवसायिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप लोगों को किसी नए ऑर्डर को प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को पूरी सफलता मिलेंगे। आप अपने पुराने यादों को ताजा कर सकते हैं। पुराने काम काजों का बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकोगे। नौकरी पेशे वाले वर्ग को ऑफिस से काम काजों से संबंधित किसी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है जिनमें के उन लोगों को सफलता मिलेंगे। घर परिवार में किसी भी गलतफहमी के चलते गृह क्लेश की स्थितियां बन सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर शांति और धैर्य से भी काम लेने की कोशिश करने होंगे। आप लोगों को तीखा बनने से बचने की जरूरत होंगे। आप लोगों को वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत होंगे और आप लोगों के नजर के चश्मे का नंबर भी प्रभावित हो सकता है। आप लोगों को पोषण की कमी के वजह से आंखों की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे वक्त में आप लोगों को धैर्यता का परिचय देने होंगे। आप लोगों को व्यापारिक व्यवसायिक लोगों को भी अपार धन दौलत की प्राप्ति होंगे। मित्रों, आप चाहे व्यापारी वर्ग के जातक हैं, व्यवसायी वर्ग के जातक हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े किसी भी कार्य को करते हैं
हैं, आप लोगों को हर क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। काम काजों से संबंधित आप लोगों को कार्य में अच्छी बिक्री की प्राप्ति होंगे। आप पहले से अधिक काम काजों में उत्साह दिखा सकोगे। कमीशन आधारित काम काजों को कर रहे लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होंगे। आप जिस भी कार्य को जुड़े हैं उन सभी कार्य को अपने 100% देने का कोशिश करें। किसी भी काम काजों में आप नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न न करें। मेडिकल के छात्रों से भी जुड़े लोगों को आज के दिन काम काजों को होता हुआ देख बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। साझेदारी वाले कामों में निवेश करने की योजनाओं को बना सकते हैं। मित्रों आज का दिन नौकरी पेशे वाले लोगों को भी बेहतरीन खास रहेंगे। आप लोगों को काम काजों पर भी ज्यादा प्रेशर हो सकता है। पेंडिंग पड़े काम काजों को पूर्ण कर सकते हैं। ऑफिस के राजनीतिक से आप लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस समय जितना ज्यादा हो सके अपने आप पर भरोसा रखने की कोशिश करें। घर परिवार के माहौल आप लोगों का बहुत ही शानदार रहेंगे। दाम्पत्य संबंधों में मिठास को देखी जा सकती है। भावनात्मक स्तर पर भी आप लोगों के संबंधी करीबी बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और आप लोगों को तनाव हो सकता है। आयुर्वाद उपचार करने से भी आप लोगों को असर देखा जा सकता है। लाभ की प्राप्ति भी होंगे। आप लोगों को करियर के क्षेत्र में नए उफान को देखा जा सकता है। व्यापारियों को भी कार्य के क्षेत्र में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होंगे और कुछ मामलों में आपको सफलता मिलेंगे और कुछ काम धंधे ऐसे भी होंगे जो आप लोगों के नहीं चलेंगे, फिर भी आप उन सभी कार्यों को कर सकते हैं। काम धंधों से संबंधित कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होंगे। तरल पदार्थों से भी आप लोगों को जल संबंधित कामों में सफलता की प्राप्ति होंगे। लोहे से जुड़े काम काजों में और कुछ गिरावटें भी देखी जा सकती हैं। इस काम में आप अपना भाग्य न लगाएं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में 100% देने की कोशिश करने होंगे। नौकरी पेशे वाले वर्ग को अपने अपने कर्मचारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहने की जरूरत होंगे। आप किसी की बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कोई भी कार्य को ना बिगाड़ें। काम काजों को पूरा करने के अवश्य कोशिश करें। घर परिवार का वातावरण बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है और मनोरंजन संबंधी और कुछ कार्य को कर सकते हैं। आप लोगों को इस समय मनोरंजन करने के लिए बाहर घूमने का मौका भी मिलेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय कई सारे लोगों को कफ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि आप लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य का परेशानी भी झेलना पड़ सकता है जो आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह समय आप लोगों को नई योजनाओं को बनाने के नए कार्य क्षेत्र में शामिल होने के मौके भी मिलेंगे। आज का दिन आप लोगों का शुभ रहेंगे। सुबह सुबह कोई ऐसी खुशखबरी भी प्राप्त होंगे जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा प्रफुल्लित होंगे। आपको नौकरी और व्यापार से जुड़े कई विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि आपको फैसले भी लेने होंगे। काम धंधों से संबंधित काम काजों भी आपका अच्छा खासा लाभ देने वाला है। आपको कहीं से रुका बदन भी प्राप्त होंगे, ऐसे मुनाफे की प्राप्ति होंगे। नौकरी पेशे वाले वर्ग में कर्मचारियों पर भी काम काजों को लेकर अधिक दबाव बन सकता है। इस दबाव में वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलताओं की प्राप्ति होंगे। अगर आप बहुत ही समय से अपने पद पर उतरना चाहते थे, सैलरी में बढ़ोतरी करवाना चाहते थे या फिर नौकरी पेशे वाले हो, इस समय पदोन्नति की प्राप्ति होंगे। बस आप अपने कार्य को 100% करने की कोशिश करें और अपने बॉस के सामने अच्छी नजरों में बने रहें। आप लोगों को सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।